अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये वीडियो एक महीना पहले रिकॉर्ड की गई थी और उस वक्त बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। ऐसी सर्दी थी कि सूरज का नामो निशान भी नहीं था। सर्दियों में गांव की रेसिपीज बड़ी सादा और स्पेशल होती हैं। ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों से तैयार की जाती है जो वहाँ पे लोकली ग्रोन होती हैं या लोकली अवेलेबल होती हैं। गाय, चूंकि गांव में लोग गाय भैंसे वगैरह पालते हैं तो उनका दूध जो जरूरत से ज्यादा होता है वो तो सेल हो जाता है या वो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में चला जाता है, और जो बाकी घर के लिए बचा होता है उसमें कुछ के लिए वो चाय वगैरह बनाते हैं बच्चों के लिए, या फिर उसकी दही बना ली जाती है। दही से फिर मक्खन एक्सट्रैक्ट करके और उसके पराठे और कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये गर्म पानी डाला ना, अभी ये देखें ये थोड़ा ढीला है, अभी थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर काफ़ी डाउन है तो अभी ये हार्ड हो जाएगा। फिर इसी को गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा और सारा दिन तकरीबन वो आग पे पड़ा रहता है, फिर वो बन जाता है देसी घी, यानी इसमें जो थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट होता है वो वेपोरेट हो जाता है। गाय, ये पंजाब में ज़्यादातर जो है नाश्ते में या लंच में या कोई भी स्नैक टाइम हो तो उसमें ये मूली वाले पराठे चलते हैं। गाय, ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। ये अम्मा जी तकरीबन एक घंटे से ज़्यादा हो गया। ये देखें गाजरें सारी, इतनी सर्दी है, ये ऊपर से इनको साफ़ किया है। पहले इन्होंने ये मूलियाँ साफ़ की हैं, अभी ये मूली का मसाला बनाएंगे, फिर उसके पराठे और उसके बाद गाजर का हलवा। ये सर्दियों में ख़ास तौर पर बड़ा ट्रेडिशन समझा जाता है पंजाब में, गाजर का हलवा हो गया। इसके अलावा कुछ और ड्राई फ्रूट वगैरह की चीज़ें बनती हैं जिनको पजीरी कोई इस तरह से बोला जाता है। सब तो
ਥੱਲੇ ਜੀ ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਥੀ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਿਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਮਕ खुले बर्तन सारी चीज़ों में मिक्स कर लवेंगे कुछ मेरी भैन होंगे जो फ्राई भी कर दिया ने इन्हों बेस्ट लगता है लेकिन असं जो भी बनाने हैं इन्होंने फ्राई नहीं करना इस तरह जायका जो है ना वो सारा बोनी चला जाता है तो मतलब एक सादा चीज़ जिस तरह कहें वो वाली नहीं चीज़ रही जायका खत्म हो जाता वो बोनी ना तो माँ जी और कहते हैं जो भी मतलब मूली चटनी बनानी इन फ्राई नहीं करना बिच फ्राई हो ना फिर जायका भी पराठा के ये गाइस इस एरिया में मकई बहुत ज़्यादा होती है तो उसका ये जो बच जाते हैं फिर वो सुखा के ये जलाने के काम आता है पराठे माशाल्लाह साढ़े बन गए ने हुण मैं बना रही हाँ जी रायता ए वाली दही तो एम चटनी बना रही हाँ इन्दे विच मेथी मेथरे तो हरा धनिया हरी मिर्च नमक बस ए वाली चीज़ें इन्दे विच शामिल कीतियां ने क्योंकि पराठे रायते तो बगैर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ने
इससे ज़्यादा बेस्ट और ना तो कोई फूड हो सकती है। फूड सिर्फ टेस्ट का नाम नहीं होता, साथ में जो एम्बियंस होती है वो उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। सम टाइम एम्बियंस ऐसी होती है कि नॉर्मल फूड भी आपको बहुत मज़ा देता है, और अगर देसी फूड हो खाली चीज़ों का और एम्बियंस भी अच्छी हो तो फिर तो क्या ही बात है। सो गाइस ये नाश्ता हमारा हो गया जी तैयार, यहाँ पे आग जलाई हुई है जी क्योंकि सर्दी इतनी है। आप देखें मेरा सराउंडिंग में 12:30 हो गए हैं और सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। नाश्ते में है जी मूली वाले पराठे, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, साथ में लस्सी और ये रायता बनाया है जी दही का, और साथ में साग है जी विद ताज़ा ताज़ा मक्खन। तो अभी हम इनको टेस्ट करते हैं जी। देसी नाश्ता, देसी माहौल, सर्दियाँ, फॉग और बिल्कुल खामोशी, ये सारे वो फैक्टर हैं जो इकट्ठे होकर ना एक बेहतरीन आपको एम्बियंस देते हैं। ये जी ताज़ा मूलियाँ अभी इन्होंने निकाली हैं इधर से खेतों से, उसके अंदर धनिया मेथी जो कुछ भी है वो सारा इधर का होम ग्रोन है, फ्रेश है। गैस बहुत ही मज़े के रिच टेस्ट है, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं हर किसी का अलग अलग टेस्ट आ रहा है। हुण असीं बना लगे हैं जी गाजर का हलवा। यह गाजर तकरीबन इन 5 मिनट हो गया ने उत्ते रखे, हुण इन्हें पावांगे जी ये गावां का खालस दुध देगा वा माशाल्लाह। तकरीबन 6 किलो दूध शामिल कर दिता, 5 किलो गाजर है, इन्हों अच्छी तरह हम सुकावे, उस बाद चीनी घी बाकी मेवा जात शामिल करांगे। सुगंध अभी ये उबलेगा और ये सारा वेपोरेट होगा, डेंस होगा थोड़ा सा, फिर ये बाकी चीज़ें उसमें ऐड करेंगी। ये गैस तकरीबन 1 घंटा हो गया और कंटिन्यू जो है ना अभी ये उसमें चम्मच हिलाई जा रही क्योंकि वरना ये जल जाएगा नीचे। अभी इसमें ये डालेंगे जी चीनी, खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही। ये गाइस इस तरह का हो गया, अभी ये और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, जो दूध थोड़ा बहुत नजर आ रहा है ना ये सारा जो खुश्क हो जाएगा, और उसके बाद ये देखें माँ जी कुछ नट वगैरह है और ये किशमिश है, बादाम है और खोपरा है और आई थिंक बटर ऐड करेंगी, तो साथ में जी ये एग जो है ना मिक्स होगा फिर ये बन जाएगा। अभी इसमें डाल देंगे ना तो वो खुद ही इसमें सही बॉयल भी हो जाएगा, ये छोटे छोटे पीसेस बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ ऐसे ही ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जी
गजरोला जो है ना अपना तैयार हो चुका है। इन दुध मक्खन घी अंडे तीनों चीज़ा जी है ना ड्राई हो गई ने, मतलब खत्म हो गई ने, सिर्फ बचिया ने तो सिर्फ गाजर बचिया ने। हम जी इन ड्राई फ्रूट फ्रूट कुछ ऐड करने ने। यह है जी कोकोनट, उस तो बाद जी यह बादाम है ने, उस तो बाद जी मूंगफली, उस तो बाद किशमिश, सही लुक तो बड़ी जबरदस्त। जो खाला पत्र सो गाइस ये आप ही ये हलवा बना के ले आई हैं। यकीन करें ये बहुत टाइम टेकिंग रेसिपी है, इन्होंने तो फिर 4 से 5 घंटे के अंदर तकरीबन बना ली है, वरना ये पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो ये तो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी बनाना चाह रही, तो हमने इनको बोला कि बस आप थोड़ा सा बना लें जस्ट टेस्ट करने के लिए। सो गाइस ये अभी टेस्ट करते हैं, गर्म गर्म है और खुशबू तो वैसे ही बहुत अच्छी आ रही है। नहीं नहीं बहुत ज़बरदस्त है। और गाइस ये इनका चैनल है, ये किशोर विलेज व्लॉग, ये थंबनेल लगा होगा, सॉरी क्या कहते हैं इसको, बैनर, हाँ ये बैनर, ये वाला, ये सामने घर है जी इनका और यहीं पे ये इनके व्लॉग होते हैं, बड़े साफ सुथरे फैमिली व्लॉग और रेसिपीज होती हैं, डेली की रूटीन होती है। तो आप ये लाजमी विजिट कीजिएगा,